नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम चीकू शेक बनाएंगे, जिसके लिए हमने 250 ग्राम चीकू ले लिए है ये, और इन्हें छीलकर इसके बीज निकाल लिए है हमने। 2 टीस्पून हमने लिक्विड चॉकलेट लिया है और 100 ml हमने क्रीम ली है। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, अमूल क्रीम, डेरी क्रीम। थोड़ी शक्कर ली है हमने और 500 ml हमने दूध लिया है। दूध बिल्कुल ठंडा है हमारा ये। मिक्सी के जार में हम चीकू को डालेंगे। पहले 250 ग्राम चीकू है ये हमारे, और दूध डालेंगे हम। थोड़ा दूध रहने देंगे हम, बाकी डाल देंगे हम। 2 ग्लास दूध है ये, 1.5 ग्लास दूध डाल देंगे हम, आधा ग्लास रहने देंगे। शक्कर डालेंगे अब हम इसमें। 4 चम्मच शक्कर डाली है मैंने इसमें। 2 ग्लास दूध के हिसाब से मैंने 4 चम्मच शक्कर डाली है इसमें। आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्सी के जार में डाल दिया है सब हमने। इस बर्तन में का दूध निकालेंगे हम, और इसके अंदर हम चीकू को छानेंगे छलनी से। थोड़ी मोटी वाली छलनी है ये हमारी, ताकि कोई भी गठान नहीं रहे इसके अंदर। इसके लिए चीकू शेक को छानेंगे हम। सिर्फ 3 चीज डाली है हमने, चीकू, दूध और शक्कर। इस तरह से हम चम्मच से प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से छानेंगे हम पूरे को। बाकी का बचा हुआ चीकू भी शेक भी डाल देंगे हम इसके अंदर। छान लिया है हमने पूरे चीकू शेक को। इस तरह से चम्मच से थोड़ा प्रेस किया है, ताकि गठान भी सब प्रेस होके नीचे से अच्छे से निकल जाए। पूरा छन गया हमारा चीकू शेक। इस तरह से जो भी 2-3 गठान बची थी इसके अंदर, हमने चम्मच से अच्छे से प्रेस करके निकाल लिया है उसको। पूरी छलनी को साफ कर लेंगे हम, और अब इस चीकू शेक को हम वापिस से मिक्सर के जार में डालेंगे। वापिस से मिक्सी के जार में डालेंगे हम चीकू शेक को। थोड़ा गाढ़ा लगे तो फिर से हम थोड़ा दूध भी डालेंगे इसके अंदर। शक्कर पहले डाल चुके हैं हम लोग, अब थोड़ा दूध डालेंगे हम। आपको थोड़ा पतला चीकू शेक पसंद है तो आप पूरा भी दूध डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा दूध रख लिया है, और अब ये क्रीम डालेंगे। 100 ml क्रीम है ये हमारी। अमूल फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं आप, डेरी क्रीम डाल सकते हैं। आपके पास जो भी ब्रांड की क्रीम मिलती हो वो आप डाल सकते हैं। 100 ml डालेंगे हम, और 2 टीस्पून लिक्विड चॉकलेट डालेंगे हम। शक्कर ऑलरेडी डाली हुई थी हमारी, और 2 टीस्पून चॉकलेट डाली है हमने। ये प्लेन वेनिला आइसक्रीम है ये। अब हम 2 से 3 स्कूप आइसक्रीम डालेंगे हम इसके अंदर। प्लेन आइसक्रीम ही लेंगे हम इसके अंदर डालने के लिए, और अब इसे मिक्सी में अच्छे से चलाएंगे हम। मिक्सी के जार का ढक्कन लगाएंगे। ग्लास के अंदर थोड़ा लिक्विड चॉकलेट डालेंगे हम, और फिर इसके अंदर चीकू शेक डालेंगे हम, और 2 आइसक्रीम के स्कूप आइसक्रीम डालेंगे हम, ऊपर से डालेंगे हम इसके अंदर। और तैयार है हमारा चीकू शेक। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये चीकू शेक हमारा। गर्मियों के मौसम में बहुत टेस्टी चीकू शेक बना है हमारा ये। ऊपर से 2-2 स्कूप आइसक्रीम डाली है हमने, वेनिला आइसक्रीम डाली है हमने ये। तैयार है हमारा चीकू शेक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें।